नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज़। कपिल शर्मा अपने शो द कपिल शर्मा शो की वजह से इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे हैं। वजह है हाल ही में शो में जो एपिसोड दिखाया गया था उसमें रिपब्लिक टीवी के डिबेट शो की नकल की गई थी। उस एपिसोड में बच्चा यादव बने कीकू शारदा ने पत्रकार अर्णव गोस्वामी की नकल की। कपिल के शो में डिबेट का नाम रखा गया है रद्दी खबर। अब सोशल मीडिया पर इस वजह से कपिल शर्मा के शो का बहिष्कार करने की बात हो रही है। एक यूजर्स ने गुस्से में कहा, ये वही आदमी है ना जो बाबा राम रहीम को मॉकिंग करने पर गिरफ्तार किया गया था। अर्णव गोस्वामी ने नेशनल चैनल पर उनके लिए स्टैंड लिया था और ये अपना शो प्रमोट कर रहे हैं। अब अर्णव हैटर सब साथ में आएंगे। एक अन्य यूजर्स ने कहा, हम लोग तब तक ये शो नहीं देखेंगे जब तक वह अपने लाइव शो में हाथ जोड़कर माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये बेइज्जती है जो ईमानदार मीडिया फाइट कर रही है, उनकी बेइज्जती है, बॉयकॉट। विकास झा नाम के शख्स ने कहा कि शर्म आनी चाहिए तुमको कपिल शर्मा और कीकू शारदा, तुम सब मिलकर ड्रग्स मामले को कवर कर रहे हो, बॉलीवुड माफिया को कवर कर रहे हो। तो एक कपिल शर्मा शो के फैंस ने कहा, मैं सिर्फ कपिल का ही नहीं बल्कि कीकू शारदा का भी फैन हूँ। लंबे समय से हम इस शो को देख रहे हैं, बस इस शो को एकदम प्योर मानते थे, नहीं सोचा था कि एक दिन आप ऐसे पॉलिटिकल एजेंडे के साथ देखोगे। एक अन्य यूजर्स ने कहा, अर्णव की हंसी उड़ाना इस वक्त मूर्खता है। हम सब जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है और कोई चैनल इसे कोई भी चैनल नहीं दिखा रहा सिवाय रिपब्लिक के। रिपब्लिक का मजाक उड़ाना मतलब SSR के फैंस का मजाक उड़ाना है।